छोटा मसला करना पड़ेगा। नमस्कार, इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला के मॉर्चरी हाउस के बाहर से। एक व्यक्ति जो कि काफ़ी टाइम से अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, उनकी जो है कल डेथ हो जाती है। क्या कुछ पूरा मामला है, एक बार बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले उनकी जो वाइफ हैं जिनसे अलग वो रह रहे थे, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या नाम था आपके हस्बैंड का और कैसे डेथ हुई है, आपको क्या कुछ पता लगा है? मैम राजवीर उर्फ भूषण उर्फ विशाल, मैम तीन तीन नाम थे उनके, तीन नाम थे मैडम उनके। और अब मुझे मेरे तो मैडम कोर्ट केस चल रहे हैं पानीपत के अंदर, और एक केस में बरी हो गए थे, वो दो केस और पेंडिंग पड़े हैं चल रहे थे। तो उसके बाद मैडम आपका कुछ क्या हुआ था, शादी कब हुई थी आप लोगों की? मैम 15 नवंबर 2002 को हुई थी। हाँ जी, उसके बाद मैडम फिर ये नीलू जो मेरे हस्बैंड का ऑफिस था, उसका प्लेसमेंट वगैरह का ये जो काम होता, कहाँ पे था ऑफिस? मैम वो जींद में था। अच्छा। उसमें रिसेप्शन पे ये नीलू नाम की लड़की लगाई हुई थी, तो नीलू नाम की लड़की के वहाँ और रिसेप्शन पे लगाने के बाद इनके अटैचमेंट हो गई थी, लिविंग जो बोल रहे हैं लिविंग संबंध हो गए थे। तो उसके बाद मैडम फिर समझाया भी बहुत, उसके बाद 5-6 बारी पंचायतें भी हुई हमारी उसी के चलते। उसके बाद मेरी उसकी दो गुड़ियाँ भी होगी, और तब भी बहुत समझाया कि भी मैंने बहुत कोशिश करी मैडम के समझाने की भी, लड़ाई झगड़े भी हुए, एक एक साल मैं अपने घर में भी रही हूँ कई बार। और उसके बाद फिर लास्ट में क्या हुआ, क्या लास्ट में ये लेके ही भाग गया उसके घर के। मेरे को ये बोलते हैं नीलू के घर के जो हैं परिवार वाले, वो मेरे को कहते थे कि भाई तू 20 लाख ले ले और इसको तलाक दे दे। मेरे को ऑफिस में बुला के ये बात कही गई थी नीलू के घर वालों ने। आपके पति का नाम क्या है? राजवीर। राजवीर जो कि पानीपत के रहने वाले थे, जींद में उनका एक ऑफिस था प्लेसमेंट्स का, वहाँ पर अपने ही रिसेप्शनिस्ट जो थी वहाँ पर एक लेडी, उनसे उनके अटैचमेंट होती है। उसके बाद इनके साथ जो है वो रहना बंद कर देते हैं और नीलू के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर आप कहाँ, अपने ससुराल में ही रह रही थी या मायके में? नहीं मैम, फिर वो लेके भाग गए थे नीलू को। अच्छा। नीलू को लेके भाग गए, तो रात को मैडम फिर मेरी रोने पीटने में सारी रात बीतती थी मैडम मेरी। फिर वहाँ पे मेरी ननद भी थी ये वाली उस टाइम पे, और मेरी सास भी थी, जेठ भी थे और देवर भी था, सारे थे। फिर उसके बाद सुबह के टाइम फिर मैंने घर पे फ़ोन किया अपने कि भी ऐसे ऐसे करके बात होगी, तो मेरे को वहाँ से फिर मतलब ये समझो फिर मैडम फिर मेरे साथ देवर ने अश्लील हरकत कर दी। देवर ने अश्लील हरकत? जी। तो उसके बाद फिर मैडम मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं रहा, मैं वहाँ से सुबह मेरे घर मायके वाले ले आए थे मुझे, मैंने फ़ोन किया वो लेके आए मुझे, लेकिन फिर भी समझौते में लेके आए थे कि भी चलो एक हफ्ते बाद मैं लेने आ जाऊंगा, लेकिन एक हफ्ते बाद ये लेने मुझे नहीं गए। फिर वो कितने साल हो गए हैं कि आप अलग रह रही हैं? मैम 9 साल लग चुका है। तो आपके जो हस्बैंड हैं वो कहाँ करनाल रह रहे थे? मैम मुझे नहीं पता, मुझे तो ये बताते कि भी मुझे तो ये पता चला था कि भी पंचकुला रह रहे हैं मेरे को ये कभी। और आज सीधा डेथ की खबर आती है कि करनाल के सेक्टर 13 में डेथ हुई है। हाँ जी, उसके बाद मेरे को कोर्ट ने 5 अप्रैल 2021 ये खबर किसने दी आपको कि डेथ हो गई है? मुझे ये इनके चाचा के लड़के ने दी है, अनिल ने। आप बहन है उनकी जिनकी डेथ हुई है? हाँ जी। किसके साथ रह रहे थे, वो कहाँ रह रहे थे? हमने तो कोई पता नहीं किसके साथ रह रहे थे, हम तो आना जाना बंद कर रखे थे हमने। वैसे पानीपत का रहने वाला था? कौन जी? भाई आपका? जींद का था जी। जींद का? हाँ जींद का था। हमने कोई पता नहीं जी, कोई कड़े रह रहे कड़े नहीं, ना हमारे द्वारा कोई फोन कोई ना मैसेज, मतलब कोई ताल्लुक नहीं रखे ना जी मार, तो कोई नहीं फोन नहीं करने दे थे जी हमारे पास, जो जिनके साथ वो रह रहे थे। हाँ हमारे पास कोई आना जानते हैं, इनके साथ रहोगा तो गोली मारूंगी और तू रह कर देख, और ये सुनाया तो हाथ पकड़ कर काट दी, छोटा गलिया ब्याह करा कर बड्डा गलिया बाजगी, और अगर का ताला लुआगी। बेच दिया मकान भी से? और मकान बेच दिया 17 लाख का, पीछे उसे दो रहे हैं। तो जींद के रहने वाले राजेश जो कि
कहाँ के राजबीर, माफ कीजिएगा, जींद के रहने वाले राजबीर जो कि अपने ही ऑफिस की एक रिसेप्शनिस्ट के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद 8 साल से जो है करीब अपनी वाइफ से अलग रह रहे थे, घर वालों को पता ही नहीं है कि कहाँ रह रहे थे, और उसके बाद कल जो है उनकी डेथ की खबर सामने आती है। एक बार दोबारा से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ पता लगा था, किसने फोन किया था कि कहाँ डेथ हुई हुई है, कहाँ मिली डेड बॉडी, कैसे हुआ है? हमें तो सुबेरे फोन आया, मैं उसकी भाभी बोल रही हूँ ममता की, और सुबेरे हमारे पास फोन आया उनके चाचा के बेटे का, और कहते हैं भाई राजवीर की डेथ हो गई है नीलू के पास पौड़ियों से गिर के। तो हम एकदम हैरान हुए हैं, तो हमें तो पता ही नहीं था, तो हमें कल्पना चावला का एड्रेस दिया, तो हम इसको ममता को लेके मैं यहाँ पे आ गई। वो 9 साल से ममता हमारे पास थी पानीपत में, पानीपत से है। ममता कौन? मेरी ननंद है जी, मैं, हाँ जी, उनकी वाइफ ममता, और 9 साल से हमारे पास थी, कोर्ट केस चला हुआ है इनका। उस औरत ने लगती है राजबीर की? मैं साले की घरवाली हूँ उनकी। तो आप देख सकते हैं जितने भी उनके परिजन हैं फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और उनका यही कहना है कि जिस लड़की के साथ, नीलू नाम की लड़की के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में पिछले काफ़ी सालों से रह रहे थे, बीवी को भी जो है घर से निकाल दिया था, और लगातार प्रयास किए गए थे घर वालों द्वारा कि कहीं ना कहीं वो अपनी वाइफ के साथ ही जो है आगे रह ले, लेकिन सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं। वाइफ आप देख सकते हैं उनके फिलहाल यहीं पर मौजूद है, इनके पास खबर आती है उसके बाद डेथ की, कि उनके इनके जो हस्बैंड हैं उनकी सीढ़ियों से गिरकर डेथ हो जाती है, लेकिन अभी तक ना तो नीलू सामने आई है और ना ही कोई और जिसकी वजह जिससे पता लग पाए कि ये डेथ है या फिर कोई एक्सीडेंट है या फिर कोई मर्डर, अभी इसका इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं मॉर्चरी हाउस में जो है उनकी डेड बॉडी को फिलहाल लेकर आया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ समझ में आएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। फिलहाल कहीं ना कहीं परिजन जो है वो शक जरूर कर रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर मारा गया है और ये एक मर्डर हो सकता है। क्या लगता है कि क्या लगता है सीढ़ियों से गिरे हैं या गिराया गया है? वो उसकी पत्नी बतावेगी ना, पत्नी को पता है भाई, जो उसके दिल पे बीती हुई है, जब उसको वो मिलने भी नहीं दे रही थी, वो तो उसकी पत्नी के दिल को पता भाई उसको किस हालात में उसके पति की मौत हुई है। आप लोगों में से लास्ट किससे बात हो रही थी राजबीर की? हमारी किसी से, उससे हमारी कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। कॉन्टैक्ट आप लोगों ने नहीं रखा या नीलू ने रखने नहीं दिया? वो तो ना उसने रखने नहीं दिया, जो तू इन अपने घर को के साथ जाएगा गोली मरवा दूंगी मैं, सीधा धमकी, जान से मारने की धमकियां देती थी वो हर बंदे को। और रह कहाँ रहा था वो नीलू के साथ? नीलू के साथ रहा, कहाँ पे रह रहा था ये हमें नहीं पता मैम, करनाल में था, कभी पंचकुला बताते थे तो कभी करनाल में बताते थे, वो उसकी पत्नी को भी बात नहीं कर पाता, छिप छिप के कभी फोन करता था तो ये फोन अटेंड नहीं करती, क्योंकि कोर्ट केस चला हुआ था, कोर्ट की तरफ से वो गई भी थी, भेजी भी थी, तो उसने उससे उसको निकलवा दिया था घर से भी, मैं भाई मेरा मकान है यहाँ से निकाल दो इसको। राजबीर का भी बताया जा रहा है कि नीलू ने मकान बिकवा दिया, ऐसा कुछ भी है? हाँ जी हाँ जी, नीलू का, राजबीर का जो मकान, हाँ जी, मकान सेल करवा चुकी है वो, सब कुछ खत्म हो चुका है, दारू के भट्टी में ही झोंक दिया था उसको। राजबीर की 2 बच्चियां भी हैं? हाँ जी, 2 बेटियां, एक 9 साल की होने वाली है, 1 13 की होने वाली है। तो उनका ख्याल अभी फिर कौन रखे? मामा के घर है मेरे पास है वो दोनों बेटियां, एक 8th क्लास में पढ़ रही है, 1 3rd क्लास में है। ये लोग भी आप ही के परिजन है? ये उसके बहन के ससुराल वाले। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नीलू नाम की एक लड़की की वजह से, जैसा कि परिजनों का आरोप है, पूरा का पूरा घर कहीं ना कहीं तबाह हो गया, और 2 बेटियां हैं राजबीर की छोटी छोटी, और फिलहाल माँ इस समय अकेली है, पिछले काफ़ी सालों से अकेली ही रह रही थी, और लगातार उसको राजबीर को समझाने की सबने कोशिश की थी कि जिसके साथ वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है उसे छोड़ कर इनके पास वापस आ जाए, कोर्ट केस भी चल रहा था, पंचायतें भी हुई, उसे समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन राजबीर नहीं माना, और नीलू ने उसका बताया जा रहा है जैसे कि परिजनों के आरोप हैं कि उसका घर तक बिकवा दिया, जिसके बाद आज पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया है। राजबीर की भी डेथ हो चुकी है, पहले घर बिकवा देती है प्रेमिका, और उसके बाद अब राजबीर की डेड बॉडी यहाँ पर है। जब परिजन पहुँचे हुए हैं तो इनका यही कहना है कि हमें नहीं पता, हमारे पास सिर्फ फ़ोन आया था कि नीलू के पास था राजबीर, और वहाँ पर पैड़ियों से पैर स्लिप होने की वजह से जो है उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन परिजनों का कहीं ना कहीं आरोप है, शक है उन्हें कि उसकी डेथ नहीं हुई है, इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, बल्कि उसे जानबूझकर धक्का देकर मारा गया है। एक बार उनकी वाइफ से हम दोबारा से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले 8 साल से आपके पति जो है अपनी प्रेमिका के साथ रह रहे थे, पहले क्या घर बिकवाया उसने, कैसे हुआ ये स्टार्ट, वो एक बार बताएं, और बच्चों को कैसे संभाल रही हैं फिर?
मैम बच्चों को तो मैं जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके संभाल रही थी मैडम, आठ साल से मैडम, ना तो मेरे साथ कोई लिंक था इनका, ना कुछ भी। और फिर लास्ट टाइम आपकी आपके पति से कब बात हुई थी? मैम लास्ट टाइम मेरी अभी 3 दिन पहले बात हुई थी मेरे को, उन्होंने बस अननोन नंबर से, मैम उनका फ़ोन मैं उठाती नहीं थी, फिर अननोन नंबर से मेरे पास फ़ोन गया तो वो मुझे मैंने उठाया, तो उसने बोला कि भाई मैं बयान दूंगा। मैंने कहा कैसे बयान दोगे? हाँ, मैंने कहा कैसे बयान दोगे? वो कहते भाई इस, उन्होंने नीलू का नाम लिया, वो बोलते थे इस कुत्ती के खिलाफ मैं बयान दूंगा। तो मैंने कहा जो आपने बोलना है ना वो कोर्ट में बोल देना। मैंने कहा मेरे पास बयान देने से कुछ नहीं होगा, जो कोर्ट केस चल रहे हैं ना वहाँ पे जो आप बयान दोगे वो दे देना। तो इस दौरान तो मतलब कहीं ना कहीं अपनी प्रेमिका से ही तंग आ गए थे वो? हाँ जी, मुझे ऐसा ही लगा। फिर उन्होंने मेरे को ये बोला कि भाई मैं बयान दूंगा और जब अब तारीख आएगी कोर्ट की तो मैं उसके खिलाफ बयान दूंगा। तो मैडम मुझे लगता है कि भाई इसी बेस पर उसने उसको शराब पिलाकर सीढ़ियों से धक्का देकर उसको मारा है कि कहीं उसके ऊपर कोई आँच ना जाए। मतलब 3 दिन जब आपकी बात हुई राजबीर से अपने पति से तो वो अपनी प्रेमिका से बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे? हाँ जी, मुझे ऐसा ही लगा फोन पे। लेकिन ये बातें उन्होंने मुझे पहले भी कई बार कही लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं था ऐसा। डरते थे वो उससे? नीलू से बिल्कुल डरते थे, बिल्कुल डरते थे। वो डरता था, फिर डरता था और उसको तो ये कहता था ये मेरे लिए तो मेरा मुख्यमंत्री है ये। हाँ जी, नीलू मेरा मुख्यमंत्री, नीलू मेरा सीएम। वो जो नीलू नाम की लड़की है वो करती क्या है? वो मैम मेरे को ये बताया जा रहा है कि भी कल्पना चावला में सिक्योरिटी गार्ड के इंचार्ज है। अच्छा, हाँ जी। वो अब बताया, लेकिन मुझे नहीं पता मैडम, मुझे अब बताया गया, पहले मुझे कभी नहीं पता था। कोर्ट बजा करके कह देने मैं जो है ना, तो आप देख सकते हैं नीलू नाम की लड़की पर जो कि इनके हस्बैंड की प्रेमिका थी उस पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला, ये तो इन्वेस्टिगेशन का इशू है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बेबस माँ को देखिए जो अपने 2 बच्चों को बहुत सालों से अकेले ही पाल रही है और बाप किसी प्रेमिका के चक्कर में पूरा घर तबाह कर चला जाता है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के कल्पना चावला के मॉर्चरी हाउस के बाहर से, सहयोगी साहिल शर्मा के साथ मैं नीरा माटा, टिप टॉप हरियाणा, करनाल।